ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं ऋषि और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक है, यानी कि 24 फेब से लेकर 28 फेब तक कौन से हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक होंगे, किस में आप बाइंग कर सकते हो, किस में आप सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ICICI बैंक। अभी इस स्टॉक के मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो तो ये जो लाइन है, मतलब 550 का जो लेवल है, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी काम कर रहा है। मतलब क्या किया कि इसके आजू बाजू ये कंसोलिडेट कर रहा है, आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड मिला, बाद में इस लेवल के आसपास आपको कंसोलिडेट मिला, आपको एक बार इधर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसके आसपास से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ये थोड़ा नीचे आया और फिर से इस लेवल के आसपास है। मतलब जो ये लाइन है आपको उसको ब्रेक होने दो प्रॉपर तरीके से। अगर ये इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग दे देता है तब आप इसमें अपना बाइंग ट्रेड जनरेट कर सकते हो। सो पहले आप इसको देखिए, प्रॉपर इस लाइन के अबव इसको क्लोजिंग देने दीजिए, तभी आप इसको बाइंग साइड लेके जा सकते हो। तो जो हमारा पहला स्टॉक था ICICI बैंक, उसको प्रॉपर लिस्ट में रखो। 550 का जो लेवल है उसको प्रॉपर ब्रेक होने के बाद उसके अब क्लोजिंग देने दो, बाद में आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जाते हैं बाय साइड के लिए। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है LNT। अभी LNT को मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो एक डाउन ट्रेंड मिला, बाद में एक इधर वेज जैसी पैटर्न देखने को मिल रही है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसको लेके जाओ, प्रॉपर ये वेज का ब्रेकआउट कर दे तब आप इसमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। इसको मैं बाइंग साइड के लिए लेके जा रहा हूँ, तो जो ये फॉलिंग वेज बनती है उसका प्रॉपर अपसाइड ब्रेकआउट हो जाए, बाद में ये आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और नॉर्मली ये अपने क्या है, सपोर्ट के पास भी है, तो हो सकता है कि आपको ये अपसाइड ब्रेकआउट दे के आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये दे। तो LNT में इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट के पास एक फॉलिंग वेज जैसा बना दिया, तो इसको आप भी लेके जा सकते हो। अगर आपको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर, तब आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो TVS मोटर्स है। अभी TVS मोटर में क्यों लेके जाना चाहते हो, तो आप देख रहे हो कि ये जो सपोर्ट है इसका, वहीं से ये इंगल्फिंग बना के ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैं इसको बाइंग साइड लेके जा रहा हूँ। एक बार इधर सपोर्ट लिया, एक बार इधर सपोर्ट लिया, एक बार इधर सपोर्ट लिया, तो इसी के आसपास इसने इंगल्फिंग बना दिया और ऊपर जा रहा है। और नॉर्मली वहां 200 की मूविंग एवरेज भी है, तो आपको हो सकता है ये इस पे सपोर्ट लेके आपको मिनिमम ये टारगेट देखने को मिले, तो आप इसमें अपना कोई प्लान बनाइए, बाद में बाइंग साइड इसको लेके जा सकते हो। नॉर्मली एक सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और वहां इंगल्फिंग बना दिए, इसलिए मैं इसमें बाइंग करूंगा। मंडे भी मेरे को इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें पर्सनली भी बाइंग करने वाला हूँ। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है उसको देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है नेरोलैक पेंट। अभी मैं इसको क्यों लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो ये कितने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। नॉर्मली एक चैनल में है अभी, और चैनल के अंदर भी एक ट्राइंगल बना दिया है इसको, तो अभी इसका अगर प्रॉपर साइड अपसाइड ब्रेकआउट होता है तभी मैं इसको अपसाइड लेके जाऊंगा। नॉर्मली आप इसमें बाइंग ही ज्यादा प्रीफर कीजिए, सेलिंग हो सके उतनी कम प्रीफर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली ये मेरे को लगता है कि ये अभी क्या है कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा और एक अच्छी सी अपसाइड देखने को मिलेगी आपको इसमें, तो इसको बाइंग साइड लेके जा सकते हो। लेकिन कब, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाने के बाद, मतलब जो ये चैनल बनी है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाने के बाद आप इसमें बाइंग साइड लेके जा सकते हो। नॉर्मली ट्राइंगल भी है, लेकिन मोस्टली है कि आप इसको चैनल की ओर देखो, चैनल का प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसमें बाइंग के लिए जाओ। सो मैं इसको बाइंग के लिए लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके जा सकते हो। नॉर्मली एक अच्छा स्टॉक है, आई थिंक अगर ये ब्रेकआउट प्रॉपर से कर दिया तो आपको एक अच्छी सी उछाल देखने को इसमें मिल सकती है। अभी इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते। इसके बाद जो हमारा स्टॉक है वो है PI इंडस्ट्री। अभी मैं इसको क्यों लेके जाना चाहते हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक अपसाइड देखने को मिली, बाद में इधर कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट में आप देख रहे हो तो एक ट्राइंगल जैसा बना दिया है, इधर से एक देखो सपोर्ट लाइन, ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन, और ये क्या है कि कंसोलिडेट में एक ट्राइंगल बना दिया।
तो अगर इसका प्रॉपर अपसाइड ब्रेकआउट हो गया तभी मैं इसमें बाइंग में जाऊंगा। अगर मेरे को इसमें प्रॉपर अपसाइड ब्रेकआउट मिल गया तब हम इसमें बाइंग साइड ज्यादा प्रिफर करेंगे। लेकिन जो भी है, जितने भी स्टॉक हमने देखे उसमें देखो प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर बाइंग एंट्री मिलते तभी आपको लेके जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल फेक ब्रेकआउट दे दिया, जैसे ये अबव निकला तो आप इसमें बाइंग चले जाते हो। नॉर्मली आपको देखना पड़ता है कि कैसे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, कैसे इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होता है और बाद में आप कोई ट्रेड ले सकते हो। और नॉर्मली जितने भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे वो कितने भी बार हिट हो लेकिन स्टॉप लॉस लेके ही आपको जाना है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना ही है। और आगे के वीडियो में भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ कि नॉर्मली कोई भी एनालिसिस देख रहे हो, किसी का भी आप सुन रहे हो, तो नॉर्मली पहले आप अपनी इस पे एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो बाद में इसमें एंटर हो जाइए। ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला और किसी और ने बोला तो आप सीधे ही उसमें बाइंग के लिए चले जाते हैं। पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, कुछ समझ में आता है तब बाइंग कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।